रह कौन गया, हमारे साथी घूम गए हैं जी। ओ साथी रह गयो, हम दो साथी कुल मिलाई कुल पे। हाँ लेंगे बिल्कुल भाई, भाई बिल्कुल लेंगे, पैसा ये थोड़ा ही होता है यार। रबड़े कुल पे 30 रुपए 60 रुपए पैसा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, निरुण प्रणाम, जय माता दी। पूरी टीम युवा जो यूनिफाई ग्रुप की पूरी टीम है बीकानेर से, तो वो हम आज आए हैं। पहले तो माता जी रे, करणी माता रे, है ना, देश तो, और फिर जाएंगे गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर। पूरी टीम तीन गाड़ी लेके हम आए थे, तो अभी जा रहे हैं मंदिर और आपको भी माता जी का दर्शन करवाएंगे। उसके बाद में गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर जाएंगे। आप वीडियो को ज्यादा शेयर करो। करणी दुख हरणी मेरी भरणी तू भंडार, तरणी तारण हार तेरी माया अपरंपार। तो दोस्तों अब हम निज मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको साथ ही साथ में दर्शन करवाते हैं और साथ साथ में इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों ये करणी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें देवी करणी माता की मूर्ति स्थापित है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है और करणी माता का जन्म चारण कुल में हुआ। यह मंदिर चूहा का मंदिर भी कहलाया जाता है। करणी माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। करीब 650 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर यह मंदिर है वहाँ एक गुफा हुआ करती थी और वहाँ एक गुफा में रहकर माँ अपने इष्ट देव की पूजा करती थी और 151 साल की होकर करणी माता ने ज्योतिर्लिंग हो गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही हिंदू मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर है करणी माता का, जो राजस्थान के बीकानेर जिले में है। तो चलो इस मंदिर का आपको दर्शन करवाते हैं और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों जैसे ही आप निज मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको चारों दिशा में देखो जल की कुंडी भरी हुई, दूध की कुंडी भरी हुई, खीर की कुंडी भरी हुई मिलेगी चारों ओर। और देखो चूहे, कितने ज़्यादा चूहे हैं जो यहाँ पर आनंद कर रहे हैं। देखो इनका जीवन यहाँ पर, छोटे छोटे जीव। और करणी माँ ने हमेशा कहा है कि जीवों की रक्षा करनी है और करणी माँ के भक्त हैं वो हमेशा के लिए जीवों के लिए मर मिटते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं। ये देखो छोटे छोटे चूहे, इन जीवों को करणी माँ इन जीवों से प्रसिद्ध हैं। देखो छोटे छोटे चूहे किस प्रकार से दूध पी रहे हैं। अगर जैसे ही आप निज मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो चारों दिशा में आपको चूहे ही चूहे नज़र आएंगे। और यहाँ पर माना जाता है कि अगर आपको सफ़ेद चूहा दिख जाए तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे अगर जाते हो तो ज़रूर अपनी शुद्ध भावना से जाते हो तो आपको सफ़ेद चूहा जरूर नज़र आएगा। तो ये प्रसिद्ध मंदिर हिंदुओं का, करणी माता का मंदिर देशनोक में प्रसिद्ध है। और अत्यधिक जानकारी के लिए बने रहे मेरे वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे देखो चूहे, कबूतर, बहुत सारे पक्षी, छोटे छोटे जीव यहाँ पे हैं। और किस प्रकार से छोटे छोटे चूहे हैं जो दूध पी रहे हैं, देखो खीर खा रहे हैं। तो हमारे इष्ट देव ने यही बताया है कि जीवों की रक्षा करनी है। जीव है तो हम हैं। अगर एक छोटा जीव है तो उसको पीड़ा उतनी होती है जितने हमें होती है। तो इसलिए हमेशा के लिए जीवन में ध्यान रखें, छोटे छोटे जीवों को जिसको भगवान ने यहाँ पे अवतार दिया इस जीवन में, उनको जन्म दिया है, तो उनकी रक्षा करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, हमारा क्रम है। तो जीवों की रक्षा देखो करणी माता ने किस प्रकार बताया है। तो दोस्तों फाइनली करणी माता के मंदिर में दर्शन करके वापस आ गए और
यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कि हर जीव, छोटे छोटे जीव पक्षी आजाद हैं सब, मतलब ये देखो पीछे आराम से चुन चुके। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको अत्यधिक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों फाइनली बाहर आ गए हैं और यहाँ पे जगदम्बा कुल्फी भंडार पे पूरी टीम देखो कुल्फी खा रहे हैं भाई, कुल्फी का आनंद ले रहे हैं। गर्मी है, चिलचिलाती और लेंगे बिल्कुल भाई, भाई बिल्कुल लेंगे। वैसा ये थोड़ा ही होता, गजब बेइज्जती है यार। ₹30 वाले दे दे भाई। दोस्तों हमारी ये तीन गाड़ी है, पूरे ग्रुप हम टीम आए थे और अब हो रही है हमारी गाड़ी रवाना देशनोक से। माता श्री का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम माता करणी के मंदिर पे आए, बहुत अच्छा लगा, ज्योति का दर्शन किया, माँ करणी के दर्शन किए मंदिर में पधार कर पूरी टीम। और अब हम जाने वाले हैं आगे मुकाम, तो आप भी वीडियो में खूब इंजॉय करो। आज जन्माष्टमी का दिन है, गुरुजम्बेश्वर भगवान के 573वें जन्मोत्सव है, तो गुरुजम्बेश्वर भगवान के मंदिर मुकाम भी जाएंगे। तो पहले मैंने कहा माता करणी के दर्शन कर लेते हैं देशनोक पर, पूरी टीम हमारी पधारी है, तीन गाड़ी है हमारी, उसके बाद गुल्फी का आनंद ले रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, देखते हैं इस आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ये निकल गई ये गाड़ी, हाँ भी निकालिए निकालिए। Thank you.